यही चल रहा है मेरे दिमाग में बस यार यार तो हाँ तक पता लग गया होगा फिर से आजमाए हैं एलविश यादव के थगले वाले बिग बॉस मोमेंट्स के साथ। तो यार मैं सिर्फ बोलू ना आके एलविश को 4 दिन हुए बस गिन के 4 दिन और इतना बंदा मजा ले रहा है ना हाउस बिग बॉस हाउस पे आए हैं वो अलग ही लेवल है वो बॉन्डिंग फुकरा इंसान के साथ वो जो देविका के साथ मजाक होता है और अविनाश आजकल तो वीकेंड के वॉर के बाद तो इज लाइक शांत शांत ही है क्योंकि उसको समझ में आ गया एलविश को अगर मैं उसको प्रोवोक करूंगा कि उसको अविनाश को अगर एलविश प्रोवोक करेगा अविनाश को तो वो ज्यादा दिखेगा तो उसको मतलब जीतने के चांसेस ज्यादा है तो इज भी लाइक ठहर जाते हैं हमारे भाई जो है हमारे भाई के साथ रहते हैं फुकरा इंसान के साथ एंड वो मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छी बात लगी और यलगार तो होने ही वाला है जीतने के बाद तो वो भी देख लेंगे हम फिलहाल तो एलविश यादव अगला वीडियो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी चलिए देखते यलगार हो तो समंदर समंदर मतलब आओ हिंट दे रहा है क्या समंदर इतना मस्त बता दिया मैंने अब भी मेरे समझ नहीं आ रहा ना तो तू तो फिर पागल हाँ ना इस बार हवा में नहीं जाने अरे इस बार हवा में नहीं जाने हवा में नहीं जाने हवा में नहीं जाने देंगे अरे हवा में जाने दे दिया भाई हवा से मिस कैसे हो रहा है अच्छा मेरे को क्या बोलना है एलवी हवा से लड़ना ये जो हिपोक्रेसी है आपकी ये भी मस्त है वैसे दिखा कैसे अकेले अकेले घूम रहे हो वॉक कर रहे हैं अच्छा ओके कभी गैस ना बने ठीक है करवा सबसे काम ये झाड़ू मरवा रहा है सबसे इसको मैं बताती हूँ अच्छा कोई दे नहीं सकता किसी बारे में रिस्पेक्ट है देखना ओ शिट भाई से तो मत पूजा भट्ट को मत दिखाओ अरे भाई मत दिखाओ यार भाई मुझे लग रहा है आज तू अंदर जाके ऐसे कर दूंगा इनकी टेंशन भाई यार भाई सच्ची में चोरी में मैं बोल लूं सबसे पहले मैं जिया को कैप्टनसी की रेस से बाहर करना चाहूंगा क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में मुझे ऐसे लगा एक्चुअली जैसे घर का कैप्टन कोई नहीं है जिस वे से उसने स्टार्ट करा था वो काफी लाइक बहुत ज्यादा जोश में थी वो पहले 2 दिन और बहुत चीजें उसने अच्छे से संभाली बट उसके बाद पिछले तीन दिनों में ऐसा हो रहा है जैसे जिसको खाना बनाना है उसको ये नहीं पता उसको क्या अकेले खेलने आए यहाँ पे बात यह था कि किसी को इज्जत देना प्यार देना अगर सबसे बना के होता है तो तुम्हारा ये गलत फहमी है आज भी हम बड़ी महफिल में बोलते मेरा यहाँ एक अपना अभिषेक ही है हाँ वही तो मैं बोल रही थी ना 19
99% ऑफ यही दिखते हैं इन तीन लोगों का जोड़ी, और इसमें भी आशिका भी ऐड हो गई है बाय द वे, इतना ज्यादा शी इज नॉट बी दिख नहीं रही है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे शी इज लाइक कमिंग अप ऑन दैट। और अगर बात किया जाए इन तीन लोगों का जोड़ी, एल्विश, फुकरा इंसान और मनीषा, ये तो ये पूरे शो में छा गए, ये तीन लोग है ना, मैं बताती हूँ, ये तीनों ही टॉप थ्री होंगे जब फाइनलिस्ट जो भी चुना जाएगा, टॉप थ्री यही होंगे, और बहुत मजा आने वाला है यार। अभी तो लाइक अगर आपको फुकरा इंसान की लाइक क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी पता है कि गेम कैसे जीतना है, वो ऐसा है कि जो है वो सबके मुंह पे बोल देता है। एंड एलविश की ये वाला एलविश की जो स्ट्रैटेजी है कैसे पता है, वो सबके मजे लेता है बस यार, मतलब उसको पता है गेम कैसे जीतना है, लेकिन वो गेम ऐसा जीतना चाहता है कि उसको मजा भी आए उसमें, एंड आई लव दैट। और ये बात तो है कि अगर कोई विनर होने वाला है तो हमारा फुकरा इंसान या एलविश इन दोनों के बीच में ही होगा, और आई विल बी अवेटिंग फॉर दैट। अभी तो 2 हफ्ते बाकी है, और 2 हफ्ते है ना, हाँ 2 हफ्ते बाकी है अभी, मेरे ख्याल से 2 ही हफ्ते बाकी है, 2 या 3, मतलब इतना नहीं पता मुझे, मुझे तो लग रहा है ये 2 या 3 हफ्ते बाकी, और बहुत मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और अभी क्या बोलते हैं इन तीनों की, फुकरा इंसान और ये मनीषा एंड एलविश की, तो सिस्टम चल रहा है भाई बिग बॉस घर के अंदर, फुल ऑन सिस्टम। और जैसे क्लू दिया था स्टार्टिंग में एलविश ने फुकरा को कि यार यलगार वो समुंदर है, मतलब वो बोल रहा था कि यलगार के जो लिरिक्स है याद करो, ऑफकोर्स यलगार के लिरिक्स मतलब स्टार्टिंग के जो एक फुल ऑन ये है ना कि वो आपके जैसे डर, मतलब पीछे से खंजर कोपते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, वो मतलब अगर पिक्चर मुझे भी पिक्चर दिखाया तो तभी वो लिरिक्स का पता चला, नहीं तो यार वो पिक्चर में दिमाग में आता नहीं है। लेकिन सीरियसली फुकरा इंसान को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कौन उसका सगा है कोई नहीं। और ये भी है कि हम सबको पता है कि एल्विश क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा है पलक से, लेकिन फुकरा इंसान को वो बात समझ में नहीं आ रही है, हम सब लोगों ने देखा है ना भाई उसने क्या क्या बोला और क्या नहीं, तो दिस इज वॉट द सिस्टम हाउ इट इज। एंड बट एलविश को सब देख के आए हैं, एलविश तो उनका सब पता है, लेकिन अभी फुकरा इंसान को जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा बहुत तांडव यलगार होगा। यस, और एलविश ने बराबर ही बोला यार यलगार ये एक चीज है, ये होने ही वाला है जब फुकरा इंसान बाहर आएगा, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी कैप्टनसी का नेक्स्ट जो टास्क आएगा एलविश ही जीतेगा, देख लो यार सिस्टम होगा फिर से घर में। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।